मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब से मैं YouTube पर ज्वाइन किया है मैंने, मुझे बहुत ढेर सारा पब्लिक का प्यार मिलता है। अभी भाई ने मुझे अपना मोबाइल हाथ में दे दिया, ऐसे कोई किसी को अपना मोबाइल हाथ में नहीं देता। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो कल को हमारा आएगा उसको लाइक भी करेंगे भाई। अच्छा देखो, दोस्तों तक भी पहुँचाना है, तुम्हारे भाई का चैनल है। हाय गाइस, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मकबरा है, ये शायद मुमताज़ बेगम का मकबरा है, लेकिन मकबरा बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, मैं भी आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आज़म खान भी बहुत मज़ा ले रहे हैं भैया यहाँ पर, कैसा लग रहा है आज़म? ये बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है आज़म को भी। ये शानदार जगह है भाई, सीन बहुत अच्छा बन गया। अब हम भाई साहब की पकौड़ी खाएंगे, देखते हैं कैसी पकौड़ी है, अगर अच्छी होगी तो वाह वाह करेंगे, नहीं होगी तो फिर देखा जाएगा। ठेला लगा हुआ है, बड़ी मशहूर पकौड़ी बनती है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आकर खाते हैं भाई साहब, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और टेस्टी बनती है। तो यहाँ और लोग भी हमारे वहाँ घूमने आते हैं भाई। वैसे तो आज़म खान ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है, ये पार्क वगैरह जो दिख रही है ये अब बनी है, इससे पहले ये नहीं थी। खूबसूरती के मामले में तो रामपुर काफ़ी आगे है भैया। ये है मेरी माँ की कब्र। आज से लगभग 1.5 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मेरे वालिद साहब तो दुनिया से बहुत पहले ही चले गए थे, लेकिन उनके जाने के लगभग 15 साल के बाद मेरी माँ का इंतकाल हुआ। मेरी माँ हम सब भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करते, हम भी सब बहुत प्यार करते थे अपनी माँ से, और मैंने ये सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाए। ऐ मेरी माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, जब तुम मुझे याद आती हो। ऐ मेरी माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, जब तुम मुझे याद आती हो तो फिर मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। कितनी बार बिस्तर में मुंह छुपाकर रोया हूँ, बड़ी तकलीफ का एहसास होता है मुझे जब तुम याद आती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाया। यही है वो कब्रिस्तान दोस्तों, इन कब्रिस्तानों के अंदर में से कोई एक कब्रिस्तान ऐसा भी होगा कि जहां एक दिन मुझे भी दफनाया जाएगा। बहुत सुकून, बहुत शांति है यहां पर, लेकिन यहां ये बाहर की शांति है। कब्र में हमारे साथ क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, और दुनिया वो जगह है जहां पर जाकर कब्र के लिए आमाल बनाए जाते हैं। ये खंडर देख रहे हैं ना आप, ये सालों से वीरान पड़े हैं, इन खंडरों के बीच में भी कब्रें हैं, उस कब्र के अंदर भी लोग दफन हैं, और एक दिन उनको फिर उठाया जाएगा मैदान हश्र में। कब्र के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, बाकी जो चीज़ रहती है वो हमारे आमाल हैं। अगर हमारे आमाल अच्छे हैं तो कब्र हमारे लिए जन्नत की एक क्यारी है, और अगर हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं तो कब्र हमारे लिए जहन्नम का एक गड़ा है, ऐसा हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो दोस्तों हमेशा अपने आप से एक ही उम्मीद रखो कि हम अच्छे आमाल करें, कि उन आमालों के बिना पर अल्लाह हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। देखो ये कब्रिस्तान जो है इसके अंदर कैसी कैसी खोपड़ी मौजूद होगी, आज कैसे कैसे लोग मौजूद होंगे इस कब्र के अंदर जिन्होंने ना जाने क्या क्या किया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो नाकामयाबी की ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने दुनिया में बहुत नेक अमल किए होंगे और वो अपनी कब्र में आराम फरमा रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने बदामालियाँ की होंगी और वो अपनी बदामालियों की सज़ा भुगत रहे होंगे। आज ही हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस बात से तौबा करें कि हम बुरे कामों से तौबा करते हैं और नेक कामों की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह जो पिछली ज़िंदगी में गुजरा है उसे अल्लाह माफ़ कर देगा।